दिल्ली में चार दिन में लूट की चा एक बड़ी और वारदात। कश्मीरी गेट इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी लूटी। व्यापारी की स्कूटी में 3 लाख कैश था। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट केस में 7 आरोपी गिरफ्तार। प्रदीप और बाला यूपी से पकड़े गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश की राजधानी में जंगल राज कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो जिम्मेदारी हमें दे दें। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के कानून व्यवस्था को सही बताया। कहा, पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार के एडवोकेट जनरल के घर में नौकर की हत्या। दूसरे नौकर को चाकू मारकर घायल किया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल नौकर का निजी अस्पताल में इलाज जारी। पुणे में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला। स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लड़की पर हमले का वीडियो आया सामने। एक तरफा प्यार के मामले में आरोपी ने किया था लड़की पर हमला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश। बारिश की वजह से लोगों को होगी परेशानी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी बारिश को लेकर अलर्ट। गुजरात के वलसाड में बीती रात से हो रही है बारिश। मूसलाधार बारिश से शहरों के कई इलाकों में भरा पानी। असम में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का कहर। बजाली जिले में तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग। पानी में डूबे 48 गांव। मानसून को लेकर एमसीडी की तैयारी। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय बोली, सभी विभागों को मिलकर काम करने को कहा गया। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमित शाह और अर्जुन मेघवाल की यहां पर बैठक हुई। समान नागरिक कानून पर दोनों के बीच चर्चा हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक। पीएम मोदी के बयान के साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी की गई चर्चा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। बोर्ड की बैठक में फैसला। शरीयत से जुड़े हिस्सों का भी ड्राफ्ट में होगा जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने का इशारा दिया। भोपाल में बोले, एक घर में नहीं चलेंगे 2 कानून। यूसीसी पर भड़काने वाले वो लोग वोट बैंक के भूखे। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर भड़के आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। पूछा, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा? ओवैसी ने यूसीसी को संविधान की भावना के खिलाफ बताया। पूछा, क्या ईसाइयों और दूसरी जनजातियों को परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएंगी? सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर जता रही हमदर्दी। आपके राज्य में अल्पसंख्यकों और दलितों को पीट पीट कर मार डाला गया। AIMPLB सदस्य आरिफ मसूद बोले, देश के सभी वर्गों की संविधान पर भरोसा है, वो इसे बदलने नहीं देंगे। सपा नेता अबू आजमी का यूसीसी पर तीखा हमला। कहा, देश का कानून और संविधान तो बदल सकता है लेकिन कुरान में लिखी गई बातें नहीं बदली जा सकती। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत। कहा, पीएम मोदी ने सबके मन की बात की है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बयान, यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं को मिलेगा उनका असली हक। अवैध धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इंटरनेशनल सिंडिकेट करवा रहा है भारत में अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण का हुआ पर्दाफाश। बकरीद को लेकर योगी आदित्यनाथ का निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी। सड़क आवागमन बाधित कर ना हो धार्मिक गतिविधि। कावड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी, यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री ना हो, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हों। त्योहारों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सुरक्षा चाक चौबंद की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। बोले, ईदगाह के अंदर पढ़े नमाज, 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। एनसीपी की ओर से प्रकाशित कैलेंडर को लेकर विवाद। नागपुर के शहर अध्यक्ष ने छपवाया था कैलेंडर। भगवान विट्ठल के साथ मस्जिद और बकरीद की तस्वीर लगाई गई। बीजेपी ने एनसीपी नेता की ओर से छपवाए गए कैलेंडर का विरोध किया। नागपुर के पुलिस कमिश्नर से केस की शिकायत। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। ममता को हल्की चोट आई। चुनावी रैली के बाद खराब मौसम वाले इलाके में पहुंचा था हेलीकॉप्टर। हादसे के बाद ममता बनर्जी का MRI स्कैन कराया गया। घुटने के लिगामेंट और बाएं कूल्हे में आई चोट, घर में इलाज जारी। ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर के बाद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी 29 जून को करेंगे मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात का जायजा लेंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी राहत कैंप्स में भी जाएंगे और इंफाल और चूड़ा चांदपुर में सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का दिल्ली में दिखा अनोखा रूप। करोल बाग में बाइक मैकेनिक से बाइक रिपेयरिंग तक की टेक्निक सीखते नजर आए राहुल गांधी। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बढ़ सकती है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें। आज कोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई। बिहार सरकार का बकरीद पर बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को आज मिलेगा सैलरी और पेंशन। B
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।